अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार मत्स्य मिनरल उद्योग संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर MIA में रोड नंबर 2 पर स्थित मत्स्य उद्योग संघ के भवन के सामने पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। MIA में एक उद्योग संघ रोड नंबर 2 पर स्थित है, वहाँ पर उद्योग संघ के सामने एक पार्क है जिसका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण रीको द्वारा करवाया जा रहा है। रीको का ही ठेकेदार है, रीको के RM और SRM और ARM इस तरह के अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें 30-40 साल पुराने लगभग 50-60 पेड़ हैं जो 30 से 35 फुट ऊपर थे, उन सबको जड़ से काट कर समाप्त कर दिया गया है। रीको को हमने इस संबंध में मौखिक शिकायत भी की है और उनको लिखित शिकायत भी दे दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही वो ये बता रहे हैं कि एक पेड़ क्यों काटे गए थे, ना ही इनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई है। एक तरफ तो रीको द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, दूसरी तरफ वृक्षारोपण कराया जा रहा है, तो इसका क्या वृक्षारोपण का कोई औचित्य नहीं है कि जब 30-40 साल पुराने हरे पेड़ों को काट कर नए पेड़ लगाने का नाटक दूरी को कर रही है, वो उचित नहीं है। तो हमने इस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हरे पेड़ क्यों काट गए हैं, इसकी जांच करवाई।